स्टेशन में रातों रात गाना गाकर सुपरस्टार बनी रानू मंडल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपको बता दें कि रानू मंडल का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद जमकर उनकी किस्मत के सितारे बदले और अब म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में गाने का मौका भी दे दिया। यानी कि रानू मंडल की स्टोरी पूरे तरीके से बदल चुकी है, उनकी कहानी बदल चुकी है, उनकी ज़िंदगी में एक अलग अध्याय शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रानू मंडल लता मंगेशकर का फेमस गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी और यही वीडियो उनका जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद खबर है कि रानू मंडल का गाना पहली बार स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने सुना और उन्होंने साफ कहा कि भगवान इनकी आवाज़ को इसी तरह बनाए रखें। लता मंगेशकर ने कहा कि उन्हें ऐसी आवाज़ काफ़ी लंबे समय बाद सुनने को मिली है और वो चाहती हैं कि रानू मंडल इसी तरह से और बेहतर गाती रहें और बेहतर सुर में गाएं। लता मंगेशकर ने यह भी कहा कि रानू मंडल आज के ज़माने के गाने तो गाएंगी ही, साथ ही उन्हें अब पुराने गानों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिभावान कलाकार की प्रतिभा तभी पहचानी जाती है जब वो पुराने गानों के सुरों को सही तरीके से लगाते हैं। लता जी का ये भी कहना है कि रानू मंडल ने जिस तरीके से लोगों का दिल जीता है उससे वो काफ़ी खुश है और वो चाहती है कि रानू मंडल बॉलीवुड में आगे और ज़्यादा तरक्की करें। यानी कि अपनी आवाज़ से रानू मंडल ने लता मंगेशकर को भी अपना दीवाना बना लिया है। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।